जीएसटी एक मेरे हिसाब से फेल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, क्योंकि जिन मकसद की जिस जिन मकासद की वजह से, जिन रीजन से गवर्नमेंट ये लाना चाहती थी, वो शुरुआत में ही डिफीट हो गए, क्योंकि डुअल टैक्सेशन को ख़त्म करने के लिए इस सरकार ने या पिछली सरकार ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। हमारे अलावा 140 मुल्कों में और भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड है, मगर ना सिर्फ जो रेट ऑफ टैक्स है वो दुनिया के सबसे हाईएस्ट में से एक है हमारे मुल्क में, बल्कि इसमें जो एक सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि आज भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी टैक्स ले रहे हैं और उसके ऊपर जीएसटी भी देना पड़ रहा है। तो ये जो मकसद था बेसिकली ड्यूअल टैक्सेशन ख़त्म करने का, वो बुनियादी तौर पे ख़त्म ही हो गया, बल्कि इस बहाने से कि हम दो टैक्स ख़त्म करेंगे, एक और टैक्स सरकार ने इंट्रोड्यूस कराया और उसका नुकसान हर एक बाशिंदे को हो रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो कमज़ोर तबका है मुल्क का, माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, SC ST हैं या गरीब तबका है, उनके ऊपर इनका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। जीएसटी की जो दूसरी कमी है वो इम्प्लीमेंटेशन में है। बगैर कोई सिस्टम बनाए, बगैर कोई इम्प्लीमेंटेशन का, के एक वेल आयरन कोई सिस्टम होता, इसको सिर्फ एक तो क्योंकि सरकार फाइनेंशियल प्रेशर में थी और जो बजट पेश करने में भी जो दिक्कतें आ रही थी, वो इसलिए कि जो हमारी कंट्री की कंबाइंड इनकम है वो बहुत इतनी इतनी आ, आ, पूरी नहीं थी या इनफ नहीं थी कि हमारे यहाँ का जो निज़ाम है वो चल सके। तो इसलिए भी जीएसटी से एडहॉक बेसिस पे कलेक्शन शुरू करके गवर्नमेंट ने एक ऐसी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे फाइनेंशियल हालात जो हैं मुल्क के, वो बहुत बहुत नहीं तो कुछ ठीक चल रहे हैं। तो ये एक उस तरीके से देखा जाए तो कवर अप एक्सरसाइज भी थी, जैसे किसी फटे हुए कपड़े पे पैबंद लगाने के बाद ये कोशिश की जाती है कि ये कपड़ा फटा नहीं है। ये उस तरह का ही बेसिकली एक स्कीम है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और गवर्नमेंट का शायद मकसद भी ये नहीं है कि इसको ड्यूअल टैक्सेशन ख़त्म करके सिंगल टैक्सेशन रखें, यूनिफॉर्मिटी लाए टैक्सेशन सिस्टम में, मकसद वो लग ही नहीं रहा, इसलिए ये ड्यूअल टैक्सेशन के तौर पे, और जो ताकि फाइनेंसिस की कलेक्शन हो पाए और सरकार अपने कम से कम जो बुनियादी खर्चे हैं और जो जो उन्हें लोन पे करने हैं वो तो दे सके, इसलिए ये इस नज़रिए से ये टैक्सेशन लगाई गई है। इसकी एक वजह मेरे ये कहने की ये भी है कि इंडिया के आप जो रिसेंट सर्वे सारे देखेंगे भी और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री से भी और दूसरी ये अभी जो हमारी नीति आयोग है और बाकी भी जितने इदारे हैं, रिजर्व बैंक है, सबने ये बताया कि इंडिया की इकोनॉमी जितनी तेज़ चलनी चाहिए थी उतनी ना चल के स्लो डाउन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे घट गए हैं और जो टैक्स की कलेक्शन है वो भी घट रही है। तो इस सब से सिर्फ एक ही तरफ इशारा जाता है कि ये गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल तौर पे और मुल्क के फाइनेंसिस को ठीक रखने में बिल्कुल टोटल नाकामयाब रही है। तो ऐसे हालात में जीएसटी की तारीफ करना, मैं समझता हूँ एक हमारी देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की एक तरीका है, और जिस काम में ये गवर्नमेंट तो खैर सबसे माहिर रही है और अभी भी वो ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज मैं ये समझता हूँ कि ये बात कहना ठीक है कि टेररिज्म भी एक इशू है, मगर वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इशू बना के और इलेक्शन के दौरान उसको एक इमोशनल हाइप बना के उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए जिससे हमारा मुल्क की ताकत बढ़ेगी। ये वो टाइम है जब हमें चाइना को और किसी भी दूसरे मुल्क को ओवरटेक करके, ये इंडिया का डिकेड चल रहा है जिसको हम खोते जा रहे हैं, जिसका नुकसान हो रहा है, तो ये टाइम दोबारा हमारे हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद कभी 100-150 साल बाद दोबारा ये एक साइकिल आती है। तो ये जो हमारा टाइम था, चाइना जब स्लो डाउन कर रहा है और इंडिया उसके एक पैरेलल इकोनॉमी है, तो जो तरक्की करने के लिए हमारा टाइम था उसको ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ये सरकार खो रही है। ऐसी चीज़ों में हमारे मुल्क के बाशिंदों का ध्यान बटा कर जो शायद
इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं, किसी भी हालत में सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं ये बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे मुल्क की फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तो हम टेररिज्म को भी बेहतर तरीके से रोक सकते हैं, हम अपनी आर्म फोर्सेस को भी बेटर इक्विप कर सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए हमें फाइनेंशियल मसल या पैसा चाहिए होगा, जो कि और पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा, करप्शन को रोकना होगा, क्योंकि करप्शन हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि शायद इलेक्शन में पीछे चला जाता है। तो कोई भी चीज़ मुसीबत है तो वो हम मुल्क के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ठीक करके ही कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिर्फ नारेबाजी है जो हो रही है, और एक सरकार या एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कहे, मगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मुल्क की ताकत आती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ लफ्ज़ उस पर भी कहना चाहता हूँ जो दूसरा टॉपिक है, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं अपनी समझ से तो एक यही कहना चाहता हूँ कि एक ये बहुत बड़ा स्कैम है, जिसका मकसद भी वही था जिस मकसद से GST लागू किया गया और जिस तरीके से GST लागू किया गया, कि अपने कुछ चुनिंदा लोगों को ये डीमोनेटाइजेशन में फ़ायदा पहुंचाना और एक ऐसा काम करना जिससे कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस हुए या कुछ बैंक में काम कर रहे हैं जो या दूसरे लोग जो जिन लोगों ने इसे एक अपॉर्चुनिटी या मौके के तौर पर लिया और उससे 10-15% कमीशन पे इसके नोट चेंज कराए इलीगली, उसको छोड़कर मैं नहीं समझता जो भी डिक्लेयर्ड मोटिव्स या एम्स थे डीमोनेटाइजेशन के उसमें से एक भी पूरा हुआ है, बल्कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से उन सारे मकासद को, उन सारे रीजंस को, उन सारे गोल्स और एम्स को नुकसान हुआ है, यानी कि जैसी स्थिति पहले थी उससे भी बदतर है। पहला हम शुरू करेंगे कश्मीर में और टेररिज्म की बात, तो क्या कश्मीर की प्रॉब्लम आज कम हुई है क्या? हाँ, इससे कोई भी कश्मीर में जितने भी अटैक्स हो रहे हैं या टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कम हुए डिमोनेटाइजेशन के बाद से? नहीं, ये कहा जा रहा था कि ये एक ऐसी करेंसी है जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती, जिसका के काउंटरफिट या नकली करेंसी ये नहीं पैदा की जा सकती, लेकिन क्या ऐसा है? डीमोनेटाइजेशन के फौरन बाद से इसकी काउंटरफिट करेंसी की सैकड़ों रिपोर्ट्स प्रेस में आई हैं, तो ये मकासद भी झूठा था। मतलब हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि किस दीदा दिलेरी से और किस लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री तक देश की जनता से आंखों में घुस के सफ़ेद झूठ बोलते हैं, और वो झूठ जब पकड़े जाने का टाइम आता है तो कोई ऐसा इमोशनल इशू या तो मंदिर का या फिर पुलवामा जैसे इशू को इमोशनल बना के इलेक्शन के टाइम पे उस पर वोट लेके जो और असली मुद्दे हैं उनको पीछे ढकेल दिया जाता है। तीसरी बात ये कही गई थी कि हमारे देश में ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी इससे, तो क्या ब्लैक मनी ख़त्म हो गई? ब्लैक मनी मैं समझता हूँ उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और मैं यहाँ भी ये बात तो कह ही नहीं रहा हूँ कि जितना डिक्लेयर्ड अमाउंट था उससे ज़्यादा जो पुरानी करेंसी थी वो सरकार के पास या रिजर्व बैंक के पास आ गई, और अभी जो नेपाल और दूसरे मुल्क हैं जहाँ पे हमारी करेंसी बाकी है और जो दूसरे लोग हैं जिनके पास अभी लीगली तौर पे भी ये पुरानी करेंसी बाकी है उसका तो अभी अकाउंट शुरू होना ही बाकी है। तो दरअसल देखा जाए तो ये मुद्दे हैं, और ख़ास तौर पे मैं मौलाना को फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम इन मुद्दों को प्रायोरिटी पर रखेंगे बनिस्बत बाबरी मस्जिद के या दूसरे पाकिस्तान के मुद्दों पे, और सभी को ये करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की पॉलिटिक्स भी ठीक होगी। जो नफरत के बीज बोए जा सकते हैं टेररिज्म के नाम पे और मुसलमानों को एक आइडेंटिफाई करके या पाकिस्तान के नाम पे, वो नफरत के बीज ख़त्म होंगे अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुस्लिम बढ़ चढ़ के आगे होंगे, जिससे हमारे मुल्क के सभी बाशिंदों का फ़ायदा होता है और बिलखसूस मुसलमानों का इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि हर एक तरह की इस एक्टिविटीज़ में जो कि मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगी वो मुल्क के जो कमज़ोर तबके होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा।